मैं उषिता केजरीवाल और हम मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ और आज हम लोग पेनबेल बनाना सीखेंगे। तो उस पेनबेल बनाने के लिए हमें चाहिए सीजर, एक पेपर रोल जो कि आप सिक्के जो बदले आप स्टॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैंने इधर पेपर को रोल करके बनाना है, पेंसिल, स्केल, एक स्क्वायर शीट जो कि मैंने फोल्ड करके स्क्वायर किया है, फेविकॉल और एक पेपर पिन। अब हम लोग इस ये स्क्वायर पेपर में फर्स्ट हम लोग इसको क्रॉस शेप में पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे। हो चुका है, अब हम लोग इसको 3 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों साइड हम लोग सेम चीज़ कर लेंगे और हम लोग को फोर ऐसे लाइन्स ड्रॉ करने हैं। हम लोग ये जो लाइंस है उसकी जो बाकी प्लेस है, जैसे कि ये प्लेस जो हुए इसको छोड़कर, अब हम लोग यहाँ से बाकी प्लेस हेल्प से कट कर लेंगे। अब हम लोग ये जो हम लोग ने इसे कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब ये वाली जो पार्ट है इस तरफ का, उसको हम लोग फेविकॉल की हेल्प से बीच वाले पॉइंट पर ला के स्टिक कर लेंगे। अब ये वाले पेज को छोड़कर इस पेज को कर लेंगे। इस पेज को छोड़कर इस पेज को स्टिक कर लेंगे। अब इसको छोड़कर को इसमें एक को छोड़ के एक को स्टिक करना है। ये स्टिक हो चुका है, तो अब हम लोग इसको 2 मिनट छोड़ देंगे। अब हम लोग ये जो पिन हम लोगों ने लिया था, वो पिन को हम लोग इधर बीच में स्टिक कर लेंगे, जिससे हम लोग का जो वो स्टैंड है वो लग जाए।
से ही पेन निकल गया है। अब हम हमारा जो ये रोल पेपर रोल हमने लिया था, पेपर रोल और स्ट्रॉ, अब हम लोग इसमें एक अब हम लोग का ये जो ये है इसको उठा लेंगे। पेंसिल आपका आधा से ज़्यादा रेडी हो चुका है, अब हम लोग इसको इसमें ऐसे स्टिक कर देंगे। अभी पेंसिल रेडी, आप देख सकते हैं। अब मम्मा आप वीडियो दिखाओ ना, आप देख सकते हैं ये पेंसिल रेडी है, कितनी सुंदर लग रही है। आप भी इससे अपने घर में बना सकते हैं। थैंक यू।